हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग सेटअप विद विजय में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस किस तरह रहा है, ऐसे कौन से टॉप 5 स्टॉक है जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है और ऐसे कौन से 5 स्टॉक है जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनमें अच्छा परफॉर्म किया है कोल इंडिया के अंदर हमको 3.34% की अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। उसके बाद UPL ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ONGC ने 1.44% का अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा BPCL, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 0.92% की इसमें बढ़ोतरी दिखी है। टाटा स्टील में भी हमको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बढ़ोतरी दिखी है, 0.86%। वहीं हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें हमको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में। 19 जनवरी 2023 को सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है हमको, वो जो स्टॉक है सबसे पहले आता है अडानी के अंदर हमको -3.86% की गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद एशियन पेंट में भी हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, -3.12% की इसमें हमको गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट सेक्टर जो आता है हमारा टाटा मोटर्स में भी काफ़ी गिरावट हुई है, -1.87% की इसमें गिरावट देखने को मिली है हमको। इंडस इंडियन बैंक में भी हमको गिरावट देखने को मिली है, -1.80% की हमको इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट हमारा अगला जो लास्ट स्टॉक बचा है अडानी पोर्ट, इसमें भी हल्की फुल्की हमको गिरावट देखने को मिली है, -1.72% की इसके अंदर गिरावट देखी गई है। इसी तरह का विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, AM चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।